अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खुश होंगे, 14 दिन की तैयारियाँ कर रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है वो ये है कि लोगों में बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्टमक अपसेट हो रही है, इसलिए अपनी अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको इस कंडीशन में, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तो इसके लिए आपने अपने आप को सेहतमंद रखना है। आपने अपनी डेली रूटीन में अगर आपको बुखार हो जाए, तो आजकल स्वीट लाइम बहुत ज़्यादा आया हुआ मार्केट में, वो बहुत अच्छा है, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। इसमें विटामिन सी होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस है, जो कि आपको अगर इन केस सबसे पहले वो क्या करते हैं, बुखार से आपको रोकेंगे, और अगर आपको फिर भी बुखार हो जाता है तो उसका ड्यूरेशन कम कर देंगे। और उसका जो बुखार एकदम से जो हाइट पे चला जाता है ना, लाइक 104 पे पीक हो गई, तो उसको स्लो डाउन करने के लिए स्वीट लाइम इज़ द ब्लेसिंग। सेकेंडली आपने क्या करना है, सेकेंडली आपने आजकल हल्की फुल्की सी वॉक ज़रूर करनी है, वॉक नहीं छोड़नी। थर्ड चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि अगर इन केस आपको फ्लू है या थोड़ा सा ब्रीदिंग में इशू आ रहा है, क्योंकि आजकल एलर्जी के इशूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने मिंट की स्टीम लेनी है। तो बहुत आसान है, जस्ट आपने स्टीम बना ली, उसके बाद बनने के बाद आपने उसमें 4 से 5 जो हैं उसके लीव्स मिंट के, वो उसके अंदर डाल देने हैं, और वो आपने उसकी स्टीम लेनी है, पहले से नहीं डालना पानी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपने अच्छी डाइट लें, खुश रहें, और 14 अगस्त को अच्छे तरीके से इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।